हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हमने जो अपनी लास्ट वीडियो में टॉपिक कंप्लीट करा था वो था अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, राइट। तो प्लांट्स कौन कौन से एजेंट्स यूज़ करते हैं फॉर द पॉलिनेशन, एंड पॉलिनेशन टर्म इज़ नाउ क्लियर। पॉलिनेशन मीन्स, येस, पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, राइट। सो प्लांट्स दे यूज टू टाइप्स ऑफ द एजेंट्स, दैट आर एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स, स्टूडेंट्स जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, ए मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ व्हाट, एब्सेंस ऑफ यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एज अ एजेंट काम नहीं करेगा, राइट। वेयर एज बायोटिक मीन्स विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो एबायोटिक एजेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, दैट इज बाय विंड एंड वाटर। विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ एनिमोफिली, राइट। विंड पॉलिनेशन इज गिवन स्पेसिफिक नेम, दैट इज एनिमोफिली, वेयर एज वाटर पॉलिनेशन इज गिवन द टर्म हाइड्रोफिली, राइट। नाउ द बायोटिक एजेंट्स मीन्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, राइट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, क्लियर। सो बायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से आएंगे, लाइक इंसेक्ट्स, राइट, और बाय बर्ड्स, और थ्रू बैट्स, थ्रू एंट्स, थ्रू स्नेल्स, थ्रू स्नेक। तो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, एंट्स, स्नेक्स, स्नेल्स, ऑल आर द बायोटिक एजेंट्स, राइट। तो बेसिकली कौन हेल्प कर रहा है, एनिमल्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कंप्लीट को, जूफिली। जू वर्ड इज फॉर एनिमल। इंसेक्ट्स के लिए जो टर्म यूज़ होती है पॉलिनेशन की वो होती है एंटोमोफिली। बर्ड्स के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है ऑर्निथोफिली। बैट्स के लिए टर्म यूज़ होती है कायरोटेरोफिली। बाय एंट्स और टर्माइट्स के लिए यूज़ होती है मायरमेकोफिली। स्नेल्स के लिए यूज़ होती है मलैकोफिली, एंड स्नेक्स के लिए ऑफियोफिली। अभी मैं ये सारे टर्म्स यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, जब हम इनको सेपरेटली इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो हम ये वो डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो पहले स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन, यानी कि हम पढ़ेंगे एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली बोथ। पहले तो हम पढ़ेंगे एनिमोफिली। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो एबायोटिक में क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर द पॉलिनेशन, क्लियर। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एबायोटिक एजेंट्स। तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं, दैट इज एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। तो हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम स्टार्ट एनीमोफिली। स्टूडेंट्स एनीमोफिली दैट इज थ्रू एजेंसी ऑफ विंड, थ्रू विंड। तो इसमें पॉलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होंगे, तो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर होंगे From anther to stigma, but with the help of wind, right students? तो कौन help कर रहा है इसमें, wind जो है वो pollination कराने में help कर रहा है। So when the pollen grains are transferred from one flower to another flower through the wind, then it is called as anemophily, and the flower is known as anemophilous flower. And the flower is known as
एनीमोफिलस। एनीमोफिलस फ्लावर, राइट। तो जितने भी सीरियल प्लांट्स हैं, मेज है, वीट है, राइट, तो ये बेसिकली इनकी जो एग्जांपल्स हैं मैं बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। मेज है और डेट पाम है, कोकोनट है, कोकोनट, ग्रासेस, राइट, कैनाबिस। बेटा कैनाबिस इज भांग, जो भांग होती है कैनाबिस, राइट, कैनाबिस। अनदर एग्जांपल इज बैम्बू, राइट। अनदर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म्स। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हो गई, दैट द प्लांट्स जो पॉलिनेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, जिनकी पॉलिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ विंड, राइट। तो हम पढ़ रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीमोफिलस प्लांट। करैक्टरिस्टिक्स में बेटा अब हम ये देखेंगे कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पर्टिकुलर हम एनीमोफिलस फ्लावर्स के ज़्यादा पढ़ने वाले हैं कि उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसे प्लांट्स जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनके क्या क्या फीचर्स होंगे। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि बेटा एनीमोफिलस विंड के थ्रू होती है तो इनको किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं होता, सो इनको शोई होने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी रहेंगे, विदाउट नेक्टर होंगे, राइट, कोई इनमें खुशबू नहीं होगी, कोई ऑर्डर नहीं होगी, और इनमें बेसिकली जो नॉन असेंशियल पार्ट्स होते हैं दैट आर कैलिक्स एंड करोला मे बी एब्सेंट और बहुत रिड्यूस्ड होंगे, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द एनीमोफिलस फ्लावर्स, दे आर वेरी स्मॉल, फ्लावर्स आर स्मॉल, नॉट शोई, मतलब नॉट कॉन्स्पिकुअस, ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइटली कलर तो होंगे नहीं ऑब्वियसली, कॉन्स्पिकुअस ही नहीं होंगे, नज़र ही नहीं आएंगे, राइट। सो दे आर इनकॉन्स्पिकुअस, क्लियर। एंड अनदर इज दैट दे आर नॉट फ्रेग्रेंट, दे डोंट हैव नेक्टर, they don't have nectar. Also, इनके जो non-essential whorls होते हैं that is calyx corolla, they are reduced or absent. So non-essential whorl like calyx and corolla are reduced और एब्सेंट, राइट। और हम इसके फीचर्स की बात करेंगे नेक्स्ट, राइट। और ये फ्लावर्स जो होते हैं जनरली, इनके फ्लावर्स दे आर बेसिकली हैंगिंग इन पोजीशन, तो लटक वाले, लटकने वाली पोजीशन में होते हैं, क्योंकि अगर विंड आएगी है ना तो वो उसको झुलाएगी हैंगिंग पोजीशन में, उसको घुमाएगी, तो पॉलन ग्रेन्स बहुत ईजिली डिस्पर्स होंगे, फैलेंगे फटाफट से, राइट। सो फ्लावर्स आर हैंगिंग इन पोजीशन, फ्लावर्स आर हैंगिंग इन पोजीशन। और दूसरी बात, और मतलब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की, कि एनीमोफिलस प्लांट बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो विंड तो डायरेक्शनलेस होगी, क्या पता पता नहीं वो पर्टिकुलर प्लांट के पास लेकर जाए भी के नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शनलेस है, उसका कौन सा कि कोई डायरेक्शन है कि उसको वहीं पे जाना है, उसी फ्लावर के पास जाना है, राइट। तो उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए ये लाखों में, मिलियंस में पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, और पॉलन ग्रेन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी फिर, अगर इतने सारे प्रोड्यूस होंगे, मान लो लाख प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कोई एक तो जाके फ्यूज़ करेगा ना, सो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सो दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस इनॉर्मस, मतलब बहुत ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, दे आर स्मॉल, लाइट वेट, ड्राई होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, क्योंकि अगर वेटेबल हुए फिर तो बेटा पानी के कारण वेट होकर वो तो नीचे बैठ जाएंगे, राइट,
ड्राई होंगे ये काफ़ी ज़्यादा, क्लियर. सो पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, लाइट, ड्राई एंड अनवेटेबल, राइट. और जो इनका स्टिग्मा होता है ऐसे फ्लावर्स का, वो काफ़ी हेयरी होगा, फेदरी होगा, ब्रशी सा होगा, स्टिकी भी हो सकता है, ताकि वो फटाफट से जो हवा में विंड के थ्रू पॉलन ग्रेन्स आए हैं उनको क्या कर ले, होल्ड कर ले. सो स्टिग्मा इज हेयरी, और वी कैन से स्टिग्मा इज फेदरी और ब्रशी एंड साथ में म्यूसिलेजिनस, थोड़ा सा चिपचिपा सा, म्यूसिलेजिनस, स्टिकी सा, राइट. और एक चीज़ और, जो बेटा इनके एंथर्स होते हैं ना, स्टेमन होते हैं, वो काफ़ी एक्सपोज्ड होते हैं, निकले हुए होते हैं बाहर की तरफ, ताकि इनको इजीली विंड जो है वो पॉलिनेट करा सके, पॉलन ग्रेन्स को इजीली पॉलिनेट करा सके. सो नेक्स्ट इज देयर एंथर्स आर एक्सपोज्ड, या हम बोलेंगे स्टेमन्स आर वेल एक्सपोज्ड. क्लियर. कई ये तो इतने ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करते हैं ना, इतने ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, येलो क्लाउड्स. पॉलन ग्रेन्स का कलर येलो होता है, तो ये इतने ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं तो बोलते हैं येलो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन पाइनस ट्री ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स. और उसको हम सल्फर शॉवर भी बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड सल्फर शॉवर. तो इतने ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स पाइनस के प्लांट से रिलीज होते हैं, तो लाइक येलो क्लाउड्स पाइनस के ट्री के ऊपर ही होते हैं, राइट. उसको हम सल्फर शॉवर बोलते हैं. तो बेटा इन फ्लावर्स को ना तो बहुत अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत है, ना फ्रेग्रेंट होने की ज़रूरत है, ना तो नेक्टर ग्लैंड्स होंगी. और बेसिकली जो नीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं ना, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं जनरली. अनीमोफिलस फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स दे कंटेन जस्ट वन सेक्स, आइदर फीमेल और मेल, नेवर बोथ. तो यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऐसी ही होती है जिसमें एक ही सेक्स होगा, क्लियर. तो अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं तो उसमें बेटा मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे, राइट. इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल फ्लावर्स आर लार्ज इन नंबर, राइट. तो सपोज करो अगर फीमेल फ्लावर्स लगते हैं वो कम नंबर में होते हैं, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नंबर में लगेंगे. सो एनिमोफिलस फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल एंड सो आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. तो लार्ज नंबर क्यों? बिकॉज अगर मेल फ्लावर ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, बेटा यहाँ पे लिखना था यूनिसेक्सुअल एनिमोफिलस फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल एंड मेल फ्लावर्स, सॉरी यहाँ पे आना था मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बिकॉज बेटा इसने पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं. तो अगर पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बनाने होंगे तो उसके लिए मेल फ्लावर्स ज़्यादा नंबर में चाहिए होंगे, क्लियर. एंड नेक्स्ट, अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल हो तो, इन केस ऑफ बाईसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि अगर फ्लावर में दोनों सेक्सेज हों, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टेमन ज़्यादा होंगे. सो इफ इन केस ऑफ बाईसेक्सुअल फ्लावर नंबर ऑफ स्टेमन्स आर लार्ज, राइट. और एक और कंडीशन इसकी बेटा, जो इसके एंथर्स होते हैं ना वो वर्सेटाइल होते हैं,
अब इसका मतलब क्या है वर्साटाइल एंथर्स का? वर्साटाइल एंथर्स का मतलब होता है जो फिलामेंट है ना, जो फिलामेंट है वो एंथर लोब से जुड़ा तो होता है लेकिन बस स्मॉल, बस एक स्मॉल एरिया से जुड़ा होता है। देखो बिल्कुल इतने से एरिया से जुड़ा हुआ है, राइट? तो इस तरह के एंथर को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्साटाइल एंथर। और ये ऐसा एंथर होता है जो बड़ी अच्छी से फ्रीली स्विंग कर सकता है एयर में, बहुत अच्छे से स्विंग करेगा। और जब वो स्विंग करेगा तो ज़्यादा अपने पॉलन ग्रेन्स को क्या करेगा बेटा? वो रिलीज़ करेगा। तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो हैंगिंग पोजीशन में होते हैं और इनके जो एंथर्स होते हैं वो वर्साटाइल होते हैं, राइट? ये बात समझ में आ गई बेटा? इसके अलावा बेटा जो इनके स्टिग्मास होते हैं वो भी एक्सर्टेड होते हैं, मतलब बाहर निकले हुए, तभी वो पॉलन ग्रेन्स को कैच करेंगे। एंथर्स तो एक्सर्टेड थे मतलब बाहर निकले हुए, स्टिग्मास और ऑल्सो एक्सर्टेड मतलब बाहर की तरफ निकले हुए, क्लियर? अगर देखा जाए ये आपको ऐसा लगता है एक तरह का वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि प्लांट को अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी इतने पॉलन ग्रेन्स बनाने में यूज़ करनी पड़ती है, इतने ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और विंड क्योंकि डायरेक्शनलेस होती है तो पता नहीं वो अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते भी हैं कि नहीं, राइट? और दूसरी बात, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं ना बेटा, वो उनकी ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है, राइट? सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल, हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इंटू इनफ्लोरेसेंस। और बहुत सारे फ्लावर्स, ज़्यादा नंबर में फ्लावर्स पैक हुए होते हैं इनफ्लोरेसेंस में। स्टूडेंट्स इनफ्लोरेसेंस क्या होती है? इनफ्लोरेसेंस इज़ द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन अ स्टॉक, राइट? सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इन टू इनफ्लोरेसेंस। जैसे कि बेटा कॉर्न कॉब होती है ना, जिसे हम छल्ली बोलते हैं, मक्की, कॉर्न कॉब, वो पूरी बेटा आपको पता है एक जो मक्की का दाना होता है, मेज का दाना होता है, वो एक फ्रूट होता है, सिंगल सीडेड फ्रूट होता है वो। यस, जो पूरी कॉब होती है छल्ली, उसमें न्यूमरस फ्रूट्स होते हैं, वो पूरी इनफ्लोरेसेंस होती है। और जो उसके बाहर से ऐसे स्टिक बाल से होते हैं छल्ली के बाहर, वो उसके स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, राइट? सो पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंग अस द एबायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि हाइड्रोफिली से भी ज़्यादा एबायोटिक में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो कौन सी होती है बेटा? पॉलिनेशन बाय विंड। सो पॉलिनेशन बाय विंड इज़ अ मोस्ट कॉमन अमंग अस एबायोटिक पॉलिनेशंस। पॉलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट, राइट? तो इसकी एग्जांपल्स मलबरी भी है, बैम्बू भी है, कैनाबिस भी है, डेट पाम भी है, मेज भी है, शुगर केन भी है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स, पपाया भी इसकी एग्जांपल है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ जो कैनाबिस होता है, कैनाबिस बेटा भांग, कैनाबिस का एक सिंगल फ्लावर, वन फ्लावर इसका बेटा, एक फ्लावर इसका अबाउट प्रोड्यूस करता है कुछ 5 लाख पॉलन ग्रेन्स, एक फ्लावर। और मेज की टेसल, टेसल फॉर मेल इनफ्लोरेसेंस के लिए हम टर्म यूज़ कर पाएंगे। मेज जो टेसल है, एक मेज टेसल मतलब एक मेज की मेल की इनफ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है 20 to 25 million पॉलन ग्रेन्स। राइट? एक प्लांट होता है उसका नाम है एनुअल मर्करी, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है उसका नाम है मर्क्यूरालिस एनुआ,
राइट, यू फॉर्बियेसी फैमिली का ये मेंबर होता है। एनुअल मर्करी जो होता है उसके जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो दो तीन के ग्रुप में लगते हैं हमेशा, दो तीन मेल फ्लावर्स इकट्ठे एक ग्रुप में लगेंगे, राइट। जो उसकी एक ये दो तीन फ्लावर्स हैं इकट्ठे जो ग्रुप में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अबाउट 135 मिलियन पॉलन ग्रेन्स। सी कितने ज़्यादा ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनके पॉलन ग्रेन्स दे कैन रीच अप टू 1300 किलोमीटर्स तक भी ये पहुंच सकते हैं, इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और जो इनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये बताना रह गया था स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको नोट कर लेना, इनके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो विंग्ड होते हैं, विंग्ड ये इसके विंग्स हैं, विंग्ड तो ये ईजिली स्विंग कर सकते हैं हवा में, नॉन स्टिकी भी होते हैं, डस्टी भी होते हैं, अनवेटेबल भी होते हैं, ड्राई भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, विंग्ड भी होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक अभी जो डिस्कस करा है वो है एनिमोफिली, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हाइड्रोफिली। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।